उपमंडल पधर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां दो सेना के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक जवान ग्राम पंचायत पाली के बाढ़ पिपली का 19 वर्षीय युवक है, जो 12 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश से घर आया था। उसके बाद युवक को घर पर ही आइसोलेट किया गया था, जिसकी बीते कल कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसकी पुष्टि एसडीएम पधर शिवमोहन सिंह सैनी, बीएमओ डॉक्टर विनय और पाली की प्रधान जया स्वरूप ने की है। अग्निशमन केंद्र की टीम ने सुबह ही युवक के घर पहुंचकर पूरे घर व आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज किया है। वहीं युवक को घर में ही पधर प्रशासन व स्थानीय प्रधान द्वारा क्वारंटीन किया गया है। वहीं दूसरा मामला 21 अगस्त को उरला में ट्रक दुर्घटना से संबंधित जवान का है। इस हादसे में घायल एक जवान की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। बता दें, ट्रक के सड़क पर लुढ़कने से घायल हुए जवान का प्राथमिक उपचार पधर अस्पताल में किया गया है। वहीं गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद स्थानीय लोगों के साथ उरला के कुछ व्यापारियों ने भी जवानों को सड़क तक पहुंचाने में मदद की थी। बीएमओ पधर डॉक्टर विनय ने बताया कि पधर अस्पताल के 2 डॉक्टर, 2 फार्मासिस्ट और 1 स्टाफ नर्स को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया है, और जिन लोगों ने इनकी मदद सड़क तक पहुँचाने में की थी उनको भी होम आइसोलेशन में रखा गया है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए पधर से ललित ठाकुर।